रागिणी बोन अप्रेमी दी, कैसे हैं आप सब। आज का जो एवरीवन एविडेंस हैप्पी मैं आज है। वीडियो में लेके आई हूँ, और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एविडेंस का, जो अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपेयर कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको ये जो टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एकदम क्लियर हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेस जेस्टे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस जेस्टे के बारे में। रेस जेस्टे सुना है आपने, जब आप एविडेंस पढ़ते हैं तो। रेस जेस्टे एक लैटिन टर्म है जिसका इन सिंपल वर्ड्स मीन है थिंग्स डन। अब रेस जेस्टे आप कहाँ पढ़ते हैं? नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है कि इन विच सेक्शन रिलेट्स विद द रेस जेस्टे। सेक्शन सिक्स, सेक्शन सिक्स स्पीक अबाउट द रेस्ट जस्टे। सेक्शन छः रेस्ट जस्टे के बारे में बताता है। सेक्शन सिक्स की अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखें तो कहता है फैक्ट विच आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, फैक्ट विच दो नॉट इन इशू आर कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू एंड दे आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन वेदर कंसिडर्ड एट सेम टाइम और एट डिफरेंट टाइम और प्लेस। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्सअप हुई हैं। जैसे ये बात कर रहा है, एक तो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो रेस जेस्टे जो है वो एक्सेप्शन है हेयरसे एविडेंस का। हेयरसे एविडेंस क्या है, सरल शब्दों में समझें तो हेयरसे एविडेंस वो एविडेंस होता है जो, जैसे फॉर एग्जांपल, नॉर्मली हेयरसे एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, ठीक है, एडमिसिबल नहीं होता है एविडेंस में। और इसका सरल शब्दों में मतलब समझे तो ऐसे है जैसे मैंने कोई इंसिडेंट होते हुए देखा, मैंने कोई मर्डर होते हुए देखा, कोई भी दुर्घटना घटते हुए देखा, मैंने अपने किसी फ्रेंड को बताया, मैं विटनेस हूँ, मैंने अपने किसी फ्रेंड को बताया, उस फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने अपने किसी फ्रेंड को बताया। तो अगर मेरे फ्रेंड का फ्रेंड कोई एविडेंस देता है तो वो एडमिसिबल नहीं है बिकॉज दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए हेयर्स एविडेंस, क्योंकि ना तो उसने कुछ देखा है, बस सुनी सुनाई बात है ना। तो नॉर्मली एविडेंस में हेयर्स एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन रेस जेस्टे उसका एक्सेप्शन है, रेस जेस्टे एडमिसिबल है। अब नाउ अगेन बैक टू द हेयर्स, तो हेयर्स जो है वो एक्सेप्शन, ये रेस जेस्टे जो है वो एक्सेप्शन है हेयर्स एविडेंस का। अब हमने समझ लिया कि रेस जेस्टे है क्या, सेक्शन सिक्स क्या कहता है। सेक्शन सिक्स ये कहता है कि जो फैक्ट, फैक्ट क्या होते हैं, सेक्शन थर्ड में हमने पढ़े थे, जो भी आप अपने सेंसेस से देखते हैं, थिंग्स विच हैज बीन परसीव्ड बाय द सेंसेस, दे आर कंसिडर्ड एज अ फैक्ट, उनको फैक्ट माना गया है। और फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू वो होता है जो सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट, मतलब जिस टॉपिक्स पे, जिस पे कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट चल रहा है, जो आपका कोर्ट में जो भी प्लीडिंग चल रही है, मेंस कहते हैं ना बोन ऑफ कंटेंशन, वो उसे फैक्ट इन इशू कहते हैं, है ना। ये चीज़ है। रेस जेस्टे कहता है कि कुछ ऐसे फैक्ट जो मे बी फैक्ट इन इशू से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, वो उस ट्रांजेक्शन के पार्ट हैं, या तो वो उसके साथ घटित हुए हैं उसी समय या प्लेस पे, या कहीं और घटित हुए हैं। कैसे, अब इलस्ट्रेशन के थ्रू हम इसे समझते हैं। बहुत सारे इलस्ट्रेशन भी आपके बेयर एक्ट में दे रखे हैं। पहला इलस्ट्रेशन जो है वो अगर हम समझें तो उसमें क्या है, ए और बी है। ए जो है बी को बहुत मारता है, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ए जो बी को मार रहा था इस एक्ट में, आसपास के जो लोग थे, जो स्टैंड बाइज थे, उन्होंने देखा, उन्होंने जो बातें की, उन्होंने जो महसूस किया, वो सब रेलिवेंट है, वो है पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा है? तो इलस्ट्रेशन फर्स्ट जो है वो यही बताता है कि ए अक्यू लगता है कि चार्ज कि भाई ए ने, ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर भाई बी। अब जो भी ए ने बी को कहा, जो दोनों के बीच में कहा सुनी हुई, जो बी ने ए को कहा, जो ए ने बी को कहा, और जो आसपास के लोगों ने सुना, वो सब रेलिवेंट है, दे आर पार्ट ऑफ द सेम
ट्रांजेक्शन। अब बहुत सारे केस लॉस भी है इससे रिलेटेड, तो एक तो हम फेमस केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक केस था रेटन बनाम कोइन, रेटन वर्सेस कोइन। इसमें एक लेडी को गोली लगने से पहले वो क्या करती है, टेलीफोन ऑपरेटर को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि मुझे पुलिस से बात करवाओ। और उसकी आवाज़ में टेलीफोन ऑपरेटर जो होता है वो महसूस करता है कि उसकी आवाज़ में डर होता है, वो डर रही होती है और वो यानी रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मुझे जल्दी से पुलिस से बात करवाओ। और इसी दौरान उसका फ़ोन कट जाता है, तो टेलीफोन ऑपरेटर जो है, टेलीफोन वाले वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ यहाँ से फ़ोन आया है और ये बात हुई थी। पुलिस उस पते पर पहुँचती है, वहाँ पे एक लेडी की डेड बॉडी मिलती है। तो अब जो लेडी ने फ़ोन करके ऑपरेटर को कहा था कि मुझे पुलिस से बात करवाओ, अब ये जो है ये दे आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द सेम घटना को पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन मान के इसको रेलिवेंट इसको मान सकती है, रेलिवेंट एविडेंस मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने फ़ोन किया था उस टाइम उस टेलीफोन ऑपरेटर को और टेलीफोन ऑपरेटर ने जो सुना कि भाई वो पुलिस से बात करना चाहती थी, उसकी आवाज़ में डर था कि जल्दी से पुलिस में लगाओ, और वही औरत की जब लाश मिली तो दे आर कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। एक और केस था आर वर्सेस फॉस्टर। आर वर्सेस फॉस्टर, गवाह ने एक भागता हुआ ट्रक, लेकिन उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा, ठीक है, उसने इस ट्रक को भागते हुए देखा लेकिन एक्सीडेंट हुआ वो उसने नहीं देखा। तभी वो जो उस एक्सीडेंट से जो घायल हुआ था उस पीड़ित के पास गया, तो उस पीड़ित ने अपना सारा बताया कि इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, उसने मुझे ट्रक ने हिट किया, वो चला गया सब कुछ। तो उसने जो सुना था उसने देखा कुछ नहीं है, उसकी आंखों के सामने एक्सीडेंट नहीं है, उसने खाली विक्टिम की बात सुनी। पीड़ित व्यक्ति था, उसके द्वारा बोले गए जो तथ्य थे, जो उसने बताए थे, वो सब फैक्ट इन, वो सब रेलिवेंट है, दे आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा है। रेस जस्टिस जो है उसकी अगर आप बेरेक्ट की लैंग्वेज देखते हैं वो थोड़ी कन्फ्यूजिंग है। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन, जो चेन ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर क्राइम हुआ है, कोई एक्ट हुआ है, ए ने बी को मारा है, तो ए जब बी को मार रहा तो आसपास के लोगों ने क्या देखा, ए ने उसको धमकी दी थी, उसको पहले उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, जो भी बात हुई थी वो सब कुछ अगर स्टैंड बाइज जो है आसपास के लोगों ने देखे हैं तो दे आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। तो रेस जस्टिस में बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, दो तीन केसेस जो मैंने आपको बताए उससे थोड़े से कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। एविडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जुडिशल सर्विसेज से भी और बींग अ लॉयर ऑल्सो, तो इसके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो हमने प्रीवियस वीडियो तो बनाया था डेफिनेशन पोर्शन पे, अभी आज का जो वीडियो मैं लाई थी रेस जस्टिस पे सेक्शन 6 पे, आगे हम और एविडेंस के सेक्शंस क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।